दीदी कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। मैं क्यों राखी जी, क्या हो गया? बहुत ज़्यादा सैड हूँ मैं। क्यों राखी जी, तबीयत खराब है क्या? अरे तबीयत नहीं खराब है, इसराइल में लड़ाइयाँ हो रही है। अरे हाँ, इसराइल क्या गाजा में? हाँ, नुसरत जी ने भी वीडियो डाला है गाजा में। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है अब, बहुत डर लगने लग गया है कि बिकॉज थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है ना यार। थोड़ा लाइट में तो आओ, मैं दिख भी रही हूँ कि नहीं? आप ही दिखते, और कोई नहीं दिखता। थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है ना यार। हाँ। पता नहीं, मैं आपको सच कहती हूँ, ये लोग जो अरबों खरबों रुपए कमा के जो बैंक में रख के बैठे हैं जेवर वगैरह, कुछ काम आने वाला नहीं है दोस्तों, कुछ काम नहीं आने वाला है। गरीबों में बाढ़ दो। मैं भी उसमें से गरीब हूँ, बाढ़ दो। मैं बोला अमीरों को कह रही हूँ कुछ काम नहीं। अगर एक मिसाइल गिर गई ना, नहीं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, प्लीज उसको मजाक में मत लो। एक मिसाइल गिर गई ना, सब खत्म। मैसेज भी आया है क्या? गवर्नमेंट का अलर्ट मैसेज आया है, मतलब ट्रायल चल रहा है कि इनकेस कुछ होता है इमरजेंसी में तो तब सबको पॉप अप करके आ जाएगा ऊपर डिस्प्ले पे नोटिफिकेशन आ जाएगा डिस्प्ले पे। मतलब आज कुछ ट्रायल वर्जन लिया था उन्होंने, किसी को भेजा था कि पॉप अप करके कि किस का ट्रायल, मतलब तो जो अलर्ट के लिए अगर कुछ होता है, वॉर होता है या कुछ भूकंप के लिए, उसके लिए वो लोग ने ये बनाया है, एक मैसेज बताया है कि जब कुछ ऐसा होता है तो आपको पॉप अप में आ जाएगा कि थोड़ा सतर्क रहो करके। बस सतर्क कैसे रखना है, कहाँ भागना है? वो उसमें लिखा रहेगा कि घर के अंदर रहो, कि बाहर के नीचे, घर के नीचे भागते हैं जब। अरे घर के अंदर रहते हैं तो बिल्डिंग ही गिर जाएगी तो फिर कैसे होगा? ऐसे सतर्क भी नहीं आएगा। लास्ट टाइम कोरोना में भी ऐसे हुआ था, लॉकडाउन में सब इंसान घर में थे, कुत्ते बाहर आराम से घूम रहे थे, सारे जानवर बाहर निकल आए थे सड़कों पे, मतलब इंसान को देखे जानवर छुप गए थे। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ है, शेर वेर रोड पे घूम रहे थे, पता है कि नहीं तुम लोगों को? भाई मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, मेरे को तो अभी टेंशन नहीं क्योंकि मेरे अकाउंट में तो पैसे है नहीं, ना लॉकर में कुछ है। हाँ, मेरा उधार कोई देना बाकी है। कैसे जीना है जिंदगी यार, तुम लोग कहाँ भागोगे? हाँ, तुम लोग के लिए तो मैं ही हूँ, आपके पीछे पीछे भागते रहेंगे। कोरोना पे मैं अकेले सड़क पे निकलती थी। बिग बॉस 17 में जाओगे यार? मैं तो सोचती हूँ यही सबसे बेस्ट है, छुपने की जगह। बिग बॉस 17 वालों, मुझे छुपा लो, बुला लो, मुझे बुला लो, मुझे छुपा लो जब तक ये वॉर खत्म नहीं होता है। कसम से वॉर होने वाला है, देखा बड़ा डरावना लगा। नुसरत कह रही थी कि वो अंडरग्राउंड में छुप गई थी, रो रही थी, उसके फेस पे साफ साफ डर खौफ दिख रहा है। डू यू नो दैट? यस, दिस इज सो शॉकिंग। नुसरत की आंखों में खौफ, फेस पे डर, भाई मौत इतने करीब आके गई है। डू यू अंडरस्टैंड? आप किसको सपोर्ट कर रहे हो राखी जी? भाई मैं तो खुद को ही सपोर्ट कर रही हूँ। अभी के लिए खुद को ही करना पड़ेगा। हाँ। क्या बात कर रहे हो, अभी तो मुझे ही सपोर्ट नहीं मिल रहा, मैं तो खुद को ही सपोर्ट कर रही हूँ। तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या होने वाला है दुनिया में? वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है, थर्ड। पहले किधर हुआ था? सेकंड किधर हुआ था? पहले जर्मनी और उसमें हुआ था। कुछ भी इसको कोई नॉलेज नहीं है, इतना हिस्ट्री पता रहता तो भी कोई यहाँ पे नहीं रहता। जादू लोग को कुछ नहीं पता। और देखो, कुरान पाक और बाइबल में लिखा है कि ये वर्ल्ड वॉर होगा, यू नो, एंड सब खत्म हो जाएगा। तो मैं जितने भी अमीर है, इंक्लूडिंग अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी, जितने भी बड़े बड़े स्टार, जितने भी रईस लोग हैं, कह रही हूँ कि अभी भी आप लोगों के पास समय है, यू नो, रिपेंट करो सब लोग, खुदा से, परमेश्वर से, ईश्वर से, अल्लाह अब्बा पिता से अपने पापों की माफ़ी मांगो तो शायद हम पर वॉर ना हो। मैं अकेली माफ़ी मांग के क्या करूँगी बताओ? मैं सबके लिए अकेले तो नहीं माफ़ी मांग सकती ना, फिर भी मैं प्रे कर रही हूँ, मुझ जैसे हज़ारों लोग प्रे कर रहे हैं। लेकिन ये अमीर लोग हैं ना,
इनको लगता है हमारे पास पैसे है ना, यही काम आएंगे। लॉकडाउन में अमीर भी मरा है, गरीब भी मरा है। डेंगू का मच्छर है ना, अभी डेंगू भी बढ़ रहा है। अमीर और गरीब को देख के नहीं काटता है, उल्टा गरीब के खून में उसको कुछ मजा ही नहीं आता। अमीर के खून में प्रोटीन और पूरा मीठा सब मिलता है, बादाम ड्राई फ्रूट्स मिलता है अमीर के खून में। मच्छर को, मच्छर को क्या मालूम है कौन अमीर कौन गरीब, क्या बोलते हो? हाँ काटने का मालूम है। हाँ काटने के बाद मालूम चलेगा। हाँ जी काटने के बाद मालूम चलेगा क्या काटेगा। मच्छर तो खुद ही मच्छर दिख रहा है भाई। बिचारी को अभी भी नया उसका करियर शुरू हुआ बिचारी ने, अभी मूवी रिलीज हुई। हाँ मतलब उसका इतना प्रमोशन है ना, प्रमोशन करते ना तो कुछ ना कुछ खा लेते ना, तो ऐसा होता है। ये देखो ये ऐसे ही होता है। दूसरे आर्टिस्ट लोग हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते ना तो क्या बोलते हैं मालूम है? लूज मोशन हो गया, डेंगू हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन राखी सावंत एडमिट हो जाए तो जरूर को सर्जरी कराने गई होगी। तुम समझ रहे हो मेरे पे अत्याचार? मतलब मेरे को कोई बीमारी हो नहीं सकती, अल्लाह खुदा ना करे मुझे कोई बीमारी हो, लेकिन मैं अगर किसी दर्द के लिए राखी सावंत अगर एडमिट हो रही है भाई, नाक की सर्जरी कर रही है भाई, इसकी सर्जरी कर रही है, उसकी सर्जरी कर रही है, पता नहीं कौन सी सर्जरी कर रही है। अरे शर्म करो, शर्म अल्लाह से डरो, अरे खुदा से डरो। गब्बर आपका बात पूरा सुन रहा है। गब्बर तो मैडम वही तो सुना रहे हैं ना। तो मुझ पर आप देख रहे हो, बिना माँ बाप की बेटी पर मेरे साथ कोई हो ना हो, मेरे साथ मीडिया है, मेरे साथ मीडिया है। और पीछे टकला खड़ा ये कौन है? पता नहीं हो क्या भाई, तू काहे को शूट कर रहा है? मैं बंद कर दूं। तेरे बाल कहाँ गए? फेमस कर रहे आपको, आपका फैन है। फैन है आपका? फैन है ठीक, मैं तुझे बाल लगवा दूंगी। फैन है तो बाल लगवा दूंगी। ये तो इतना छोटे में बाल कैसे चला गया, जवानी में बाल चला गया क्यों ऐसा? तू बहुत जल्दी अमीर होने वाला है। हाँ हाँ जो टकला होता है वो अमीर होगा। छाप होगा उसको भी छापो। ये तो अपने आप को मच्छर कह रहे हैं।